नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में बचाव अभियान में शामिल संयुक्त दल की प्रशंसा की। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना जारी रखने की स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021-22 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 2,94,718 करोड़ रुपए जारी किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो के साथ बैठक की। कहा, हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के हवाई द्वीप में अमेरिका हिंद प्रशांत कमांड का दौरा करेंगे। अमेरिका की यात्रा संपन्न करने से पहले वो हिंद प्रशांत महासागर बेड़े और प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉ भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। राष्ट्र आज जलियांवाला बाग घटना के 103 वर्ष पूरे होने पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में बचाव अभियान में शामिल भारतीय वायुसेना, सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, स्थानीय प्रशासन और समाज के कुछ लोगों के साथ अब से कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। इन बलों में देवघर जिले के त्रिकूट पर्वत पर एक दुर्घटना के बाद पर्यटक केबल कारों में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त बचाव अभियान चलाया था। यह दुर्घटना पहाड़ पर संचालित रोप वे का तार टूटने से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये निर्णय पंचायती राज संस्थानों की प्रशासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए लिया गया है। इस स्कीम के माध्यम से 2,78,000 रूरल लोकल बॉडीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 1,36,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे अब हम 1,65,00,000 लोगों को और प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही एस्पिरेशंस पर खरा उतरा जा सके। नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी किया जाएगा। इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि संशोधित योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग जहां एक और किया जा रहा है, वहीं पर कैपेसिटी बिल्डिंग का किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर और गांव के बीच में जो एक बड़ी खाई थी, शहरों का विकास तो होता गया लेकिन आजादी के बाद गांव पिछड़ते चले गए। लेकिन जितना फोकस अब की बार हुआ है, आदर्श ग्राम पंचायत की बात हो, आदर्श गांव की बात हो या पंचायती राज के पूरे सिस्टम को ही और इफेक्टिव करने की बात हो, और इसमें आप देखेंगे अधिकांश 50% से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं, तो एक ओर से महिला सशक्तिकरण का काम भी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है और कुल मिलाकर आउटपुट और आउटकम इसमें बेहतर आए उस दिशा में भी काम किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम सीबीए अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को स्वीकृति दे दी है। ये ऐसी जमीन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है जहां से कोयला निकाला जा चुका है या व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त है। इससे कोयला खनन और कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी कोयला कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां सीबीए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित इन जमीन की मालिक बनी रहेंगी। सरकारी कोयला कंपनियां कोयला और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों के लिए संयुक्त परियोजनाओं में निजी पूंजी लगा सकती हैं। केंद्र ने आज कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021-22 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 2,94,718 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कुल 1,175 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद में रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद और खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में धान की खरीद शामिल है। इसके अंतर्गत 154 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 2,31,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए कई योजनाबद्ध कार्य किए हैं और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिससे किसानों को गन्ने की बकाया राशि चुकाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर कठिन समय में उनके साथ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी समझौता ज्ञापन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। जापान के सहयोग से जोहकासो प्रौद्योगिकी द्वारा अपशिष्ट जल उपचार के बाद दोबारा उपयोग में बहुत उपयोगी साबित होगा। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग इस महीने के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद केंद्र जम्मू कश्मीर में चुनावों पर अंतिम फैसला करेगा। 3 सदस्यीय आयोग ने प्रस्तावित 90 सदस्यीय सदन में जम्मू क्षेत्र में 6 जबकि घाटी क्षेत्र में केवल 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव दिया है। परिसीमन लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीर घाटी से 47 और जम्मू क्षेत्र से 43 सीटें होंगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज आयातित कोयला आधारित संयंत्रों के संचालन और राज्यों द्वारा समिश्रण के लिए कोयले के आयात की समीक्षा की। बैठक में श्री सिंह ने राज्यों से निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त कोयला स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए समिश्रण उद्देश्य के लिए 10% तक कोयले का आयात करने को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेट जेनेकों ने संबंध में लंबी दूरी के कोयला परिवहन से बचने के लिए लिंकेज कोयले के 25% तक टोलिंग सुविधा की अनुमति दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। अगले अंक का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमृता बजाज। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 13 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमरीका की वाणिज्य मंत्री गीना रायमोंडो के साथ बैठक की है। ट्वीट संदेश में डॉ जयशंकर ने कहा कि हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है।
अमरीका की वाणिज्य मंत्री सुश्री रायमोंडो ने कहा कि अमरीका हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना की शुरूआत करने की ओर बढ़ रहा है और वो भारत सरकार से बराबर संपर्क बनाए रखने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरीका के हवाई द्वीप में अमरीका हिंद प्रशांत कमांड का दौरा करेंगे। अमरीका की अपनी यात्रा संपन्न करने से पहले श्री राजनाथ सिंह हिंद प्रशांत महासागर बेड़े और प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने जाएंगे। उनका राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्री सिंह कल हवाई द्वीप पहुंचे थे। एडमिरल जॉन एक्विलिना ने उनकी अगवानी की। अमरीका की हिंद प्रशांत कमांड और भारतीय सेना बहुत सारे काम मिलकर करते हैं। इनमें सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव साझा करने के कई कार्यक्रम शामिल हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार मौजूदा संकट की स्थिति से निपटने पर चर्चा के लिए तैयार है। युवा प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष और उनके पूरे परिवार के सदस्यों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में सरकार को विफल मानते हुए देशभर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति गोताबाया ने कहा कि विदेशी मुद्रा संकट सरकार का नहीं था, आर्थिक मंदी काफी हद तक कोविड महामारी के कारण थी, जिससे देश के पर्यटन क्षेत्र में राजस्व की कमी आई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में रोप वे दुर्घटना में बचाव अभियान में शामिल संयुक्त दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना जारी रखने की स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021-22 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 2,94,718 करोड़ रूपये जारी किये। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमरीका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो के साथ बैठक की। कहा, हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरीका के हवाई द्वीप में अमरीका हिंद प्रशांत कमांड का दौरा करेंगे। अमरीका की यात्रा संपन्न करने से पहले वे हिंद प्रशांत महासागर बेड़े और प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉ भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। राष्ट्र आज जलियांवाला बाग घटना के 103 वर्ष पूरे होने पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाने के लिए दिल्ली के तीन मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ है। संग्रहालय का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है और इसमें कुल 43 गैलरी हैं। एक रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर गठित प्रधानमंत्री समिति की सदस्य कंचन गुप्ता ने ट्वीट संदेशों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित ये संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण तक की कहानी बताता है। संग्रहालय भारत के संविधान के निर्माण का जश्न भी मनाता है और आगंतुकों को संविधान सभा के महान पुरुषों और महिलाओं, विशेष रूप से भीमराव आम्बेडकर के बारे में जानकारी देता है, जिन्होंने हमारे प्राचीन राष्ट्र को एक आधुनिक गणराज्य की ओर अग्रसर किया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आज एक समारोह में चंडीगढ़ के डॉ भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट की अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया।
यह वार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने पुरस्कार विजेताओं के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट दोनों ही कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और पीड़ित लोगों की देखभाल के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं। श्री नायडू ने लोगों और सामाजिक संगठनों से कुष्ठ उन्मूलन अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्राम सभाएं अपने कार्यक्रमों में कुष्ठ उन्मूलन को शामिल करें। In this noble task of eradication of leprosy, by showing the needed empathy and also lending a helping hand at various levels, this is very much required. The Gram Sabhas, which are mandated by the Constitution, they should include this as part of one of their program. 69% of villagers observed the village hour meetings in Gram Sabha on Anti-Leprosy Day 2021. We need to improve it further. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोविड महामारी के दौरान किसी भी घर में भोजन की कमी न होना सुनिश्चित किया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ देशवासियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम के माध्यम से गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और उनके कल्याण के प्रति वचनबद्धता दिखाई है। लगभग 25 महीने के अंतराल इस कोविड के बीच 80 करोड़ हमारे भाई बहनों का हर महीने 5 किलो अनाज पूरी तरीके से मुफ्त देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, जिसपे लगभग 3,40,000 करोड़ अनुमानित व्यय है। लगभग 1,000,000 टन अनाज पूरी तरीके से मुफ्त पहुंचा है, आगे पहुंचेगा सितंबर तक। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए FOSCOS पोर्टल https://fOSCOC.gov.in/ करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। कृतज्ञ राष्ट्र ने जलियांवाला बाग नरसंहार के 103 वर्ष पूरे होने पर आज बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब में हुआ था। भारत के इतिहास में ये अब तक का सबसे काला दिन माना जाता है। एक रिपोर्ट। देश जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को याद कर रहा है। अमृतसर स्थित इस जलियांवाला बाग स्मारक की दीवारों पर लगे गोलियों के निशान और खूनी कुआं आज भी यहां आने वालों को अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता और युवा पीढ़ी को आजादी के लिए शहीद होने वाले परवानों की याद दिलाते हैं। संख्या में लोग आज जलियांवाला बाग में पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि यहां पर आकर देशभक्तों की कुर्बानियों का पता चलता है और देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी शासन के दौरान हुए नरसंहार में शहीद देशवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब पुलिस बैंड ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देशभक्ति की धुनें बजाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग कांड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय झारखंड के देवघर में बचाव अभियान में शामिल संयुक्त दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, जिसने भी इस ऑपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है वो हैरान था, परेशान था। आप सभी तो मौके पर थे, आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी
इसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। केंद्र सरकार के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत चलने फिरने में परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 14 हवाई अड्डे अब एम्बुलिफ्ट से सुसज्जित हो गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि प्राधिकरण ने 20 एम्बुलिफ्ट खरीदी हैं। एम्बुलिफ्ट का निर्माण मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। तेरह अप्रैल 1919 को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे जघन्य घटनाओं में से एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में ये क्रांतिकारी घटना साबित हुई। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार को राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने या नजरबंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे राष्ट्रव्यापी असंतोष फैल गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून बताया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 7 अप्रैल 1919 को प्रकाशित सत्याग्रही लेख में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीकों का वर्णन किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया। 9 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उनकी रिहाई के लिए अगले दिन उपायुक्त के निवास तक मार्च किया। पुलिस ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अधिकारियों को सभी तरह के विरोध को दबाने का आदेश दिया। किसी भी तरह की जनसभा के लिए निषेधाज्ञा के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग ये उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। बैठक में दो प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा और अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का आग्रह। जब पुलिस को सूचना मिली तो आतताई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुआ। उसने सैनिकों को लेकर बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी का आदेश दे दिया। लोग बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को निकास द्वार की तरफ गोलीबारी का आदेश दे दिया। 10-15 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी होती रही, जो गोलियां खत्म होने के बाद ही थमी। इस दौरान 1650 से अधिक गोलियों के राउंड दागे गए। जनरल डायर ने 291 लोगों के मारे जाने की बात कही, लेकिन मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित समिति सहित अन्य रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी में 500 से अधिक लोग मारे गए। हत्याकांड की सूचना देश भर में फैल गई और विरोध स्वरूप गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किंगहुड की उपाधि वापस कर दी।
हत्याकांड के दिन जनरल डायर की कार्रवाई को तत्काल पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की स्वीकृति मिल गई और उन्होंने कहा, आपकी कार्रवाई सही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनुमोदित करते हैं। दोनों ब्रिटिश अधिकारियों रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर को उग्र आलोचना का सामना करना पड़ा। हत्याकांड की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। कमीशन ने डायर की कार्रवाई की केवल निंदा की और उसे ब्रिगेड कमांडर के पद से त्यागपत्र देने को कहा। लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के दिलों में बदले की आग सुलगती रही। क्रूर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने मस्तिष्क आघात के कारण 1927 में दम तोड़ दिया, लेकिन पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को अपने कुकर्म की सजा भुगतनी पड़ी, जब हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी ऊधम सिंह ने उसे गोली मार दी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1951 में क्रांतिकारियों और जघन्य हत्याकांड में मारे गए लोगों की स्मृति में जलियांवाला बाग में स्मारक बनवाया। ये संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में खड़ा है और आज भी युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा दे रहा है। मार्च 2019 में हत्याकांड की स्मृति में यादें जलियां संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आईपीएल क्रिकेट में पुणे में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में एक विकेट पर 98 रन बना लिए थे। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड की 162 अधिकारियों सहित 1026 सैनिकों ने मारियोपोल में आत्मसमर्पण कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय, यूक्रेनी जनरल स्टाफ या रक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। केरल में गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। आज 10 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, इदुक्की और मल्लपुरम जिलों में कल तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहने और दोपहर या शाम को बादल छाए रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर में रोपवे दुर्घटना में बचाव अभियान में शामिल संयुक्त दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना जारी रखने की स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिकृत भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दी। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021-22 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 2,94,718 करोड़ रुपए जारी किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमरीका की वाणिज्य मंत्री गेना रायमोंडो के साथ बैठक की, कहा हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लचीला रुख और विश्वसनीयता तथा कारोबार में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरीका के हवाई द्वीप में अमरीका हिंद प्रशांत कमांड का दौरा करेंगे। अमरीका की यात्रा संपन्न करने से पहले वो हिंद प्रशांत महासागर बेड़े और प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉ भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।